Allah subhanahu wa ta'ala ne aapki company, and I want you to tell us about how was the foundation that of your company that took place, because you were never an entrepreneur. 6 years ago the company was formed. Ye idea kahan se aaya tha, Zeeshan? Tell us a little about your company. देखें जी, मेरी कंपनी जो है वो आप जैसे इमार के साथ अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इमार क्लेम करता है वी आर द डेवलपर्स, वी आर नॉट कंस्ट्रक्शन कंपनीज और रियल स्टेट कंपनीज। एंड योर कंपनीज नेम इज, ये बड़ा खूबसूरत नाम है, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं और इसकी बेसिस बताएं कि लोग तो जर जमीन के लिए जो है वो हिजरतें करते हैं, तबाहियाँ होती हैं, जंगें होती हैं, आपने जो है माशाल्लाह उसको एक फिनोमेना बना दिया यार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 6 साल पहले मैंने डिसाइड किया था अपनी कंपनी फॉर्म करने का, तो उसमें काफ़ी इनामों पे काम हो रहा था। एक आप जैसे बहुत अच्छी दोस्त है, एक्स पर्सनल थे, रिटायर्ड, तो उनके साथ डिसाइड किया वी केम टू दिस नेम, और जर जमीन जामिन, जर मीन पैसा, जमीन प्रॉपर्टी, एंड जामिन गारंटियर। तो हमारी जो कंपनी की टैग लाइन थी वो थी आपके जर जमीन के जामिन। वाह। तो इनिशियली जो मेरी कंपनी, जी और ऐड कर ले, जरदारी साहब वाला नहीं, जीशान, जर जमीन के जामिन जीशान। नहीं, वो तो एक और जी अगर ऐड हो गया तो माशाल्लाह से फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो वाला जेड जो है ना बहुत सपोर्टिव है, और बस वो इस तरह से कंपनी फॉर्म की, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो नॉट बीइंग अ रियल स्टेट एजेंट या ब्रोकर या कंसल्टेंट, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट में अपने आप को क्लेम करता हूँ कि जी आपके लाइफ टाइम रिलेशंस, आपकी इन्वेस्टमेंट किधर करनी है किधर नहीं करनी है, तो लॉन्ग टॉप प्लेसमेंट करवाते हैं, टॉप प्लेसमेंट करती है, और वो भी टॉप नॉच में, जो हाईएस्ट एंड है, हाई एंड प्रोडक्ट है आपके सामने ही है, सिक्योर है, DHA। सो यू गॉट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपर्स फ्रॉम UAE, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत मेगा प्रोजेक्ट कराची में शुरू किए, एंड यू हैव बीन फिनोमिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल इन सेलिंग Whatever came your way, माशाल्लाह। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, यहाँ तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, सुना है एक एक पेंट हाउस बिलियन बिलियन रुपए के करीब है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? इधर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हम लोगों की वो 50% ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके। और टॉप नॉच है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी है, मतलब ज़्यादा, अभी आप शहर में भी चले जाएंगे तो आपको 5-7 करोड़ के नॉर्मल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, और ये बीच फ्रंट लिविंग है, MR का नाम है, MR को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जी किसी, जैसे अमूमन आजकल जितने टॉप बिल्डर्स हैं वो जॉइंट वेंचर्स पे लैंड लेते हैं, मार्केट से पैसे लेते हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, मार्केट करेंगे, तो MR हमारी जो प्रेजेंस है वो 15 कंट्रीज़ में, 7 कंट्रीज़ में हमारी डेवलपमेंट है, 8 कंट्रीज़ में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। दुबई में आपको पता है कि मिडिल ईस्ट का टॉप ब्रांड है, वन ऑफ द मोस्ट। मैं फिर इसको पॉज लगाऊंगा। आपने कहा 5-6 करोड़ रुपए का एवरेज अपार्टमेंट है, थैंक यू रॉजर। बिल्कुल जी।